नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। तो अधिक मास कैसे बना, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हिरण्यकश्यप को अस्त्र शस्त्र एवं अन्य वरदानों सहित दिन रात एवं ब्रह्मा के बनाए हुए वर्ष के 12 माह के किसी भी माह में उसकी मृत्यु नहीं हो, इस प्रकार का वरदान प्राप्त था। इसलिए हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए विष्णु भगवान को 13वें माह का निर्माण करना पड़ा। तभी से प्रत्येक तीसरे वर्ष में एक अधिक मास आता है। किंतु हम सभी जानते हैं कि सूर्य की 12 संक्रांति के आधार पर वर्ष में 12 माह होते हैं और प्रत्येक माह का कोई न कोई देवता और स्वामी अवश्य होता है। किंतु प्रत्येक 3 वर्ष में आने वाले इस अधिक मास का कोई स्वामी नहीं होने के कारण सर्वत्र इसकी अवमानना एवं निंदा होती थी। तब भगवान श्री कृष्ण से इसने अपने आप को प्रतिष्ठित करने की प्रार्थना की, तो श्री कृष्ण ने इस अधिक मास को अपने दिव्य गुण प्रदान करते हुए इसको पुरुषोत्तम मास के नाम से प्रतिष्ठित करते हुए यह वरदान दिया कि इस माह में जो धार्मिक अनुष्ठान, भगवान की कथा अथवा तीर्थ यात्रा, ईश्वर दर्शन एवं पवित्र नदियों में स्नान करके प्रभु भक्ति में लीन रहेगा अथवा दान पुण्य करेगा, उसे मनचाहा यथा योग्य फल प्राप्त होगा। तभी से इस अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है, अर्थात इसमें ईश्वर का निवास होता है। इसलिए यह मास हम सबके लिए चिंतन, मनन एवं आत्मनिरीक्षण का महीना है। आपके लिए यह जानकारी हमने इस वीडियो में संक्षिप्त में प्रस्तुत करी है। अगर आप इसे विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको रिप्लाई भी करेंगे और इसके ऊपर एक विशेष विस्तार पूर्वक एक वीडियो बनाएंगे और उसमें हम आपको बताएंगे। तो चलिए, तो ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे ज्ञान गंगा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए और शेयर करिए। तो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।